अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना फेसबुक का पेज या अकाउंट जो है वो कैसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है वो उस पर ब्लू टिक आता है वो कैसे आता है, उसके लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसको जो है वेरीफाई के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त क्या करते हैं जो ना वो ये वेरिफिकेशन के लिए जो ना किसी को जो ना वो पैसे दे देते हैं और उसका प्रोसेस जो ना वो उसको पता नहीं होता है। और किसी को पैसे कभी कभी आप दे कर भी अगर आपका पेज जो ना उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो कोई भी आपका पेज जो ना वो वेरीफाई करवा नहीं सकता। तो इसलिए आप ये वीडियो फॉलो करें और इस वीडियो में देखें, अगर आपका जो ना वो पेज जो है उस क्राइटेरिया में आता है तो आप खुद जो है ना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। तो अब जो ना बात करते हैं ये जो ना कहाँ पर हमें जो ना वेरीफाई करना पड़ेगा और क्या जो ना उसकी लिंक वगैरह या कौन सा उसका फॉर्म वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो ना मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप ये देख सकते हैं ये सारे श्याम सर्वर का अकाउंट है, ये देखें ये वेरीफाई अकाउंट है। दोस्तों, एक पेज होता है और एक जो अकाउंट होता है, तो पेज भी आप वेरीफाई कर सकते हैं और अकाउंट भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को जो ना ये मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जो ना इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। ये जो ना एंटर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि वही इनकरेज एडमिन और वेरीफाई पेज ना प्रोफाइल पेजेस टू यूज़र टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये यूज़ करना ज़रूरी है एडमिन के लिए। और क्योंकि सर आपको पता है कि डेली बेस पे पेजेस जो है ना वो हैक होते रहते हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं वेरीफाई योर प्रोफाइल आर पेज, ठीक है, आप अपना प्रोफाइल या पेज वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखना ये लिखा हुआ है यू कैन फिल इन दिस फार्म, ठीक है। अब फार्म की बाद में हम बात करते हैं, पहले जो ना हम इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखें नीचे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर ए वेरीफाइड पेज, ये नीचे जो है ना आप पढ़ सकते हैं, ये ऑथेंटिकेट, ठीक है। और सारा मैं अभी आपको जो है पढ़ के एक एक लफ्ज़ जो है पढ़ के दिखाऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपको जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के जो है आपको बोर कर दूँ। तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ऑथेंटिकेट रिप्रेजेंट अ रियल पर्सन, कोई रियल पर्सन जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा, रजिस्टर्ड बिजनेस और एंटिटी, कोई भी बिजनेस है आपका या एंटिटी या कोई मतलब ये जो है ना पेज जो ना ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब एक रियल बंदा उसको यूज़ करा या एक रजिस्टर्ड बिजनेस के नाम से जो ना पेज हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे यूनिक हो, बी द ओनली प्रेजेंस ऑफ दिस पर्सन आर बिजनेस, ठीक है, ओनली वन पेज आर प्रोफाइल पर पर्सन आर बिजनेस में बी वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये आप चीज़ें देख सकते हैं, कोई मतलब यूनिक चीज़ हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने जो पेज का नाम यूज़ किया है या जो भी आपने वो उस पर ऑलरेडी जो ना बहुत सारे लोगों ने जो ना पहले किसी का जो ना वो ऑलरेडी पेज वेरीफाइड हो तो वो पेज जो ना, क्योंकि वेरीफाइड पेज सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, दो पेज एक ही नाम पर कभी भी वेरीफाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको कोई भी नाम जो ना अपना बिजनेस या आपका अपना वो एक मतलब यूनिक नाम हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यह लिखा हुआ है कंप्लीट हैव एन अबाउट सेक्शन, उसका अबाउट सेक्शन वो कंप्लीट, उसके जो भी अबाउट सेक्शन के अंदर सारी चीज़ें आती है जो भी वो भी आपको कंप्लीट करनी है, और पेज हो या प्रोफाइल हो, ठीक है, फोटो एंड रिसेंट एक्टिविटी। उसके बाद इंक्लूडिंग एट लीस्ट वन पोस्ट, ठीक है, कम से कम एक पोस्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे नोटेबल रिप्रेजेंट अ वेल नोन ऑफ ऑफ्टन सर्च पर्सन ब्रांड आर एंटिटी, वी रिव्यू पेजेस एंड प्रोफाइल दैट आर फीचर्ड इन मल्टीपल न्यूज सोर्सेज एंड वी डू नॉट कंसिडर पेड आर प्रमोशनल कंटेंट। दोस्तों, यहाँ पे ये बोला कि आपका जो पेज है या प्रोफाइल मतलब वो पर्सन जो है ना वो नोटेबल हो या पर्सन है या बिजनेस है जो भी, और उसकी जो ना एक न्यूज़ के अंदर किसी भी न्यूज़ के अंदर जो ना मल्टीपल मतलब न्यूज़ सोर्सेज के अंदर जो ना कोई न्यूज़ जो है ना वो फीचर्ड हुई हुई हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो उनको जो है ना वो वेरीफिकेशन के टाइम जो है ना उनको भेजनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी ये पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है ना उसके साथ जैसे अपनी जो भी वेबसाइट है, जो भी बिजनेस है उसकी वेबसाइट है या इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है या ट्विटर अकाउंट है, अगर आपका अपना जो पर्सनल प्रोफाइल है तो आप उसकी ट्विटर की अकाउंट की लिंक जो है ना वो दे सकते हैं और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें जो है ना आप दे सकते हैं। उसके बाद अब हम जो है ना अगर आपकी ये सारी चीज़ें आपके पे क्राइटेरिया आपका कंप्लीट है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे
फिल इन दिस फॉर्म पे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, आपका पेज हो या प्रोफाइल हो, ठीक है, चीज़ें ये आपको मैंने बताई हैं, वही आपको चीज़ें देखनी है। उसके बाद देखें यहाँ पे, अब सबसे पहले जो लिखा हो वेरीफाइड योर पेज, और यहाँ पे आप क्या चीज़ वेरीफाई करना चाहते हैं, पेज अपना या प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करना है तो आपको सिर्फ प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, अगर पेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपका अपना पेज जो ना, कोई भी आपको जो भी आपके पेजेस होंगे उसमें किसको जो ना वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ऑथेंटिकेटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आप जो डॉक्यूमेंट टाइप, तो डॉक्यूमेंट टाइप में आपके ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, टैक्स फाइलिंग, रिसेंट यूटिलिटी बिल्स और आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये चीज़ें जो ना कोई भी इनमें कोई भी एक चीज़ जो ना आपको सेलेक्ट कर देनी है, और उसका जो ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो ना अपलोड कर देना है, यहाँ पे चूज़ फाइल्स पे क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट जो ना अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, आपका पेज जो ना पब्लिक फिगर है या सेलिब्रिटी का है या कोई भी आपका ब्रांड वगैरह है, किसको ये जो ना प्रोफाइल या पेज जो भी है किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में ये सारी बहुत सारी कैटेगरी पड़ी हैं, आपको इनमें कोई भी कैटेगरी एक सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, आप कोई ब्लॉग या इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर कोई एंटरटेनमेंट का पेज है तो यहाँ आपको ये सेलेक्ट करना है, और फैशन या म्यूज़िक ये सारी जो ना ये आपको चीज़ें जो ना वो सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, कोई ब्रांड वगैरह है तो आपको बिजनेस ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, और पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट का पेज है तो यहाँ पे आप ये पेज जो ना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया का ये तो ये कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको अपना कंट्री का नाम लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आइडियंस ऑप्शनल। अब दोस्तों ये चीज़ ऑप्शनल है, डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलो योर पेज और प्रोफाइल, इंक्लूड हु दे आर, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, वाई दे फॉलो यू। आपको यहाँ पे जो ना ये डिस्क्राइब कर देना ये कि मतलब आपकी आइडियंस के बारे में, या आप जो भी आपका प्रोफाइल पेज को फॉलो कर रहे हैं उसको जो ना उसका इंटरेस्ट क्या है और आप वो क्यों आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से जो ना वो देनी है। उसके बाद लिस्ट ऑल द नेम ऑफ दैट पर्सन ऑर्गेनाइजिंग योर पेज इज नोन बाय, और यहाँ पे ये चीज़ें जो ना आपको फॉलो करनी है। उसके बाद एंड द सेम नेम इन अदर लैंग्वेजेस ये भी आपको चूज़ करना है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में ये ऑप्शन आता है कि एड अप टू 5 आर्टिकल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड अदर लिंक्स दैट योर पेज आर प्रोफाइल इन द पब्लिक इंटरेस्ट पेड आर प्रमोशनल कंटेंट वन नॉट बी कंसिडर्ड। ये चीज़ें जो ना आपको यहाँ पे कोई भी लिंक देनी है, कोई भी आर्टिकल हो, कोई मतलब 5 चीज़ें जो ना उसमें अंदर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और भी अगर जो आपके प्रोफाइल और पेज से जो रिलेट करते हैं लिंक्स वगैरह वो भी आपको देने हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताया था कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी कोई फीचर्ड हुई हुई या न्यूज़ आपके मतलब पेज या प्रोफाइल से रिलेटेड, या अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल है तो आप वो भी यहाँ पे जो है ना उसकी लिंक भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेंड पर क्लिक करना है, कर देना है। उसके बाद जो है ना आपको कुछ दिन वेट करना है और उसको फेसबुक जो टीम है वो रिव्यू करेगी। तो अगर आपका पेज जो ना इन जो रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हैं वो उसके अंदर आता है और ऑथेंटिक पेज है, तो ये जो ना आपको वेरिफिकेशन का पेज जो ना वो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात माइंड में रखनी है कि आपका पेज ना पब्लिक फिगर्स, सेलिब्रिटीज़ एंड ब्रांड्स दे रिप्रेजेंट, इन जो भी मतलब प्रेजेंस है ना इन चीज़ों के अंदर होगी तो उसका आपका जो ना आपको वो मिल जाएगी, आपका पेज जो ना वेरीफाई हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। फिर जो ना कितने भी पेजेस अगर आपके नाम से बने हुए हैं लेकिन आपका पेज जो ना वो एक फेसबुक की तरफ से ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप जो ना इसको कैसे पेज या प्रोफाइल को कैसे जो ना वो वेरीफाई कर सकते हैं, और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आप जो ना इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद जो ना आप अपना चाहे पेज हो चाहे किसी और का, अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप इजीली उसको ये जो ना वेरीफाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ब्लू टिक जो ना वो गेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक में क्लिक करना, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।